आप सभी के अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है मैथ का मॉडल क्वेश्चन, ओके, मॉडल क्वेश्चन सेट टू JCERT क्लास 8 का। तो जब तक मॉडल सेट टू नहीं आया था तब तक तो लग रहा था कि एग्जाम होगा नहीं होगा, नॉट श्योर। बट अभी ये नोटिफिकेशन नहीं आया कि होगा, बट मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों का एग्जाम होगा। बिकॉज देखिए, अगर नहीं होना रहता तो सेट टू लॉन्च नहीं होता, क्लियर है ना। सेट टू मतलब बोर्ड की तरफ से नहीं आता, पर सेट टू आया है और कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं है, जैसे पहले था वही पैटर्न में है। तो फिर बस यही कहना है कि काफी कमेंट आ रहा है सर, मतलब एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, फिर से मतलब कंफ्यूजन हो गया। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन जैक बोर्ड की तरफ से नहीं आया है कि एग्जाम होगा अभी, बट सेट टू मॉडल सेट टू क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आप लोगों का एग्जाम होगा। ओके, तो मतलब अगर आप 9th क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8th क्लास को एकदम कम्प्लीटली ड्रॉप नहीं करना है, अभी उसको पढ़ते रहिए जब तक आप प्रमोट नहीं हो जाते हैं या फिर आपका एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक। ओके, तो अभी बस ये बताना था आप लोगों को, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एग्जाम होने का संभावना बढ़ गया है। ओके, अगर मॉडल सेट टू नहीं आता, आपका क्वेश्चन नहीं आता, तो पॉसिबिलिटी था कि नहीं होता, बट क्वेश्चन मॉडल सेट टू आ चुका है। ओके ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है सेट टू, और मैं अपलोड कर दूंगा, मैथ का अपलोड हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। मेरे पास बुक वगैरह नहीं था, पर अब आ चुका है, मैंने मंगा लिया है। तो कल से मतलब कल सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, या फिर कल या फिर कल के नेक्स्ट डे, दो दिन में अपलोड हो जाएगा सारा। और मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है नेक्स्ट वाला सेट टू को, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए आई थिंक, बिकॉज मतलब एग्जाम नहीं होने को था, फिर अब सेट टू आ गया है, तो मैं भी हो सकता है। तो बस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से मतलब सभी को याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बस यही था वीडियो। और अभी तक मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं JCERT का और NCERT 9th क्लास का हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और कहीं पर दिक्कत होती है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।